हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइबर वर्ल्ड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सीखेंगे आप एमएस पेंट यानी माइक्रोसॉफ्ट पेंट, जिसे पेंटिंग प्रोग्राम भी कहा जाता है। इस प्रोग्राम में आप टेक्स्ट, पिक्चर, ग्राफ, स्केच और ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर सकते हैं। दोस्तों, एमएस पेंट के व्यू टैब और फाइल बटन के बारे में आप इस वीडियो में जानेंगे। एमएस पेंट में टोटल दो टैब हैं, होम टैब और व्यू टैब। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में मैंने होम टैब के सारे ऑप्शन एंड कमांड्स के बारे में वीडियो अपलोड कर दिया है, और साथ ही एमएस पेंट को कई तरीकों से कैसे ओपन कर सकते हैं और एमएस पेंट में यूज होने वाले सारे शॉर्टकट कीज के बारे में वीडियो अपलोड कर दिया हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप उस लिंक पर क्लिक कर आसानी से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक और सीखिए आसानी से एमएस पेंट कंप्लीट ट्यूटोरियल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हैं साइबर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए कंप्यूटर कोर्स और टेक्निकल रिलेटेड वीडियोस लाते रहता हूं। और इस वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प होती है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो फ्रेंड्स, चलिए अपने लैपटॉप स्क्रीन पर। फ्रेंड्स, एमएस पेंट को ओपन करने के बहुत से तरीके हैं, जिसमें हम एक तरीका रन कमांड के द्वारा स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें अपने कीबोर्ड में विंडो और आर प्रेस करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके सामने रन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। इसमें आपको सिंपली एमएस पेंट टाइप करना है। एमएस पेंट टाइप करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से इंटर प्रेस या माउस से ओके पर क्लिक करना है। जैसे कि देख सकते हैं, हमारे सामने एमएस पेंट एप्लीकेशन ओपन हो गया है। फ्रेंड्स, इसके पिछले वीडियो में मैंने होम टैब के सारे ऑप्शन एंड कमांड्स के बारे में आपको बता दिया है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक कर आसानी से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम चलते हैं व्यू टैब और फाइल बटन की ओर। व्यू टैब में आपको तीन ब्लॉक दिखेंगे, जूम ब्लॉक, शो और हाइड ब्लॉक और डिस्प्ले ब्लॉक। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बारी बारी से आपको तीनों ब्लॉक के बारे में बताते हैं। सबसे फर्स्ट ब्लॉक है जूम ब्लॉक। जूम ऑप्शन का यूज हम किसी भी टेक्स्ट, पिक्चर, ग्राफ, स्केच और ऑब्जेक्ट को जूम करके बड़ा देखने के लिए करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक ड्रॉइंग बनाकर दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने एक यहाँ पर ड्राइंग बना लिया। अब इसे आपको बड़ा करके देखना है, यानी जूम। तो उसके लिए आपको सिंपली जूम इन पर क्लिक करना है और आप देख सकते हैं आपका ये ड्राइंग बड़ा हो गया है। आप इसे बड़ा छोटा कर सकते हैं। अगर आप इसे फिर से छोटा करना चाहते हैं तो सिंपली आपको जूम आउट पर क्लिक करना है। इस तरह से आप जूम इन और जूम आउट ऑप्शन का यूज करना जानेंगे। और अगर आप को बहुत बड़ा या बहुत छोटा कर लिया, डायरेक्टली आपका ड्राइंग जिस तरह से था आप उस तरह से लाना चाहते हैं, तो आपको सिंपली 100% पर क्लिक करना है। जैसे ही 100% पर क्लिक करते हैं, आपके सामने वो ड्राइंग आप जैसा बनाए थे उसी तरह का सामने वो शो करेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पर जूम इन करते हैं तो यहाँ पर स्टेटस बार में वो शो कर रहा है कि आप कितना जूम कर रहे हैं, कितना परसेंट है, 200%, 300%। इस तरह से आप जूम इन और जूम आउट ऑप्शन का यूज करना जानेंगे। हम अपने अगले ग्रुप्स एंड ब्लॉक शो और हाइड का यूज करना सीखते हैं। इस ब्लॉक में आपको तीन ऑप्शन दिख रहे हैं, रूलर, ग्रिड लाइन और स्टेटस बार। रूलर का तो यूज आप जानते ही हैं, इसे आपकी लैंग्वेज में कहें तो स्केल। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस पेंट एप्लीकेशन में भी स्केल है, यानी रूलर है, हॉरिजॉन्टल रूलर और वर्टिकल रूलर। अगर आप इस रूलर को यहाँ से हटाना चाहते हैं तो सिंपली आपको रूलर के सामने वाले चेकबॉक्स को अनचेक करना है। इस तरह से आप देख सकते हैं वो रूलर यहाँ से हट गया है। और अगर आप फिर से उस रूलर को लाना चाहते हैं तो सिंपली आपको रूलर के सामने चेकबॉक्स पर चेक लगा देना है और उस तरह से आप देख सकते हैं कि रूलर वापस आ गया। अब हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन ग्रिड लाइन का यूज करना सीखते हैं। ग्रिड लाइन का यूज हम बेसिकली कोई ग्राफ वगैरह बनाने के लिए करते हैं। जैसे ही आप ग्रिड लाइन के सामने वाले बॉक्स में चेक लगाते हैं, आपके सामने ग्राफ के जैसा लाइन ड्रॉ हो गया है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन स्टेटस बार के बारे में सीखते हैं। स्टेटस बार आप किसी भी एप्लीकेशन के सबसे नीचे शो करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्टेटस बार शो कर रहा है, जिसमें हमारा माउस का कर्सर कहाँ ब्लिंक कर रहा है, उसका एरिया और हमारा विंडो एरिया कितने पिक्सल में है, लंबाई चौड़ाई कितना है वो शो कर रहा है, और
ये जूम इन और जूम आउट ऑप्शन शो करते हैं। अगर आप इस स्टेटस बार को हटाना चाहते हैं तो सिंपली आपको स्टेटस बार के सामने वाले बॉक्स में इस चेक को हटा देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पेंटिंग एप्लीकेशन में वो स्टेटस बार यहाँ से हट गया है। और अगर आप उस स्टेटस बार को फिर से वापस लाना चाहते हैं तो आपको सिंपली स्टेटस बार के सामने वाले बॉक्स में चेक लगा देना है। तो इस तरह आप शो और हाइड ब्लॉक के बारे में सीखे। तो इस तरह आप शो और हाइड ब्लॉक के तीनों ऑप्शन के बारे में सीखे। तो हम अपने नेक्स्ट ब्लॉक डिस्प्ले ब्लॉक के बारे में सीखते हैं। इसमें आपको दो ऑप्शन है, फुल स्क्रीन और थंबनेल। फुल स्क्रीन का यूज बेसिकली तब किया जाता है जब आपने कोई ड्राइंग बना लिया और आप उस ड्राइंग को देखना चाहते हैं कि वो ड्राइंग किस तरह से दिखता है फुल स्क्रीन में। तो इसके लिए सिंपली आपको व्यू टैब में जाना है और फुल स्क्रीन पर क्लिक कर देना है। फुल स्क्रीन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने वो प्रिंट एप्लीकेशन ऑफ हो जाएगा और आपके सामने वो जो ड्राइंग आपका रहेगा वो फुल स्क्रीन में आपको शो करेगा। और अगर आप फुल स्क्रीन से वापस आना चाहते हैं तो सिंपली आपको माउस का लेफ्ट की अपने ड्राइंग पर क्लिक करना है। और जैसे कि आप देख सकते हैं हम अपने प्रिंट एप्लीकेशन में वापस से आ गए। तो हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन थंबनेल का यूज करना सीखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं थंबनेल ऑप्शन अभी हाइड है। थंबनेल ऑप्शन, इस ऑप्शन का यूज करने से पहले हम आपको बता दें थंबनेल का मतलब क्या होता है। थंबनेल का मतलब होता है संक्षेपण। अगर आपने इस विंडो एरिया में अगर कोई आप बड़ा सा ड्राइंग करते हैं और उस ड्राइंग को छोटे से विंडो में देखना चाहते हैं उसके लिए आपको थंबनेल ऑप्शन का यूज करना रहता है। तो सबसे पहले हम थंबनेल को अनहाइड कर लेते हैं। इसके लिए हमें सिंपली एक बार जूम इन पर क्लिक करना है और जूम इन पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा थंबनेल ऑप्शन अनहाइड हो गया है। तो इसके बाद हम एक एग्जांपल के लिए ड्राइंग बना लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने ड्राइंग बना लिया। उसके बाद आपको इस बड़े से ड्राइंग को एक छोटे से थंबनेल में देखना है, छोटे से एरिया में देखना है। तो इसके लिए आपको सिंपली थंबनेल पर क्लिक करना है और आप देख सकते हैं थंबनेल का ऑप्शन ओपन हो गया है। इसमें आप जो भी ड्राइंग यहाँ पर करेंगे वो आपको इसे शो करेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर आप इस थंबनेल को बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सीखते हैं व्यू टैब के सारे ग्रुप्स एंड ब्लॉक्स ऑप्शन एंड कमांड्स के बारे में। चलिए हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं जो है फाइल बटन। फाइल बटन में जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन है। इस वीडियो में आपको सारे ऑप्शन के बारे में बताऊंगा। सबसे फर्स्ट है न्यू, सेकेंड ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट फ्रॉम स्कैनर ऑफ कैमरा और कैमरा, सेंड इन ईमेल, सेट एज डेस्कटॉप इस बैकग्राउंड, प्रॉपर्टी, अबाउट पेंट, एग्जिट। तो बारी बारी से मैं आपको सारे ऑप्शंस के बारे में बताता हूँ। सबसे फर्स्ट है न्यू। न्यू ऑप्शन का यूज हम बेसिकली एक नया पेज क्रिएट करने के लिए करते हैं। इसके लिए अगर आपको एक नया पेज चाहिए तो आप सिंपली न्यू पर क्लिक करें, माउस का लेफ्ट की प्रेस करें और जैसे आप प्रेस करते हैं तो पेंट एप्लीकेशन का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसमें आपको पूछ रहा है डू यू वांट टू सेव चेंज टू अनटाइटल्ड। क्या आप इस जो आपने पेंट बनाया उसे आप सेव करना चाहते हैं, सेव करके दूसरा पेज लेना चाहते हैं या बिना सेव किए लेना चाहते हैं या इसी में आप फिर से ड्राइंग करना चाहते हैं। तो हम इसे बिना सेव किए एक नया पेज लेना चाहते हैं तो इसे डोंट सेव करेंगे और जैसे ही डोंट सेव करेंगे आप देख सकते हैं हमारा नया पेज ओपन हो गया है। हम अपने सेकेंड ऑप्शन ओपन ऑप्शन का यूज करना सीखते हैं, जानते हैं। ओपन ऑप्शन का यूज बेसिकली हम अपने ड्राइंग में किसी अदर लोकेशन से पिक्चर, स्केच, ऑब्जेक्ट, टेक्स्ट, ग्राफ को लाने के लिए करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने ओपन ऑप्शन पर क्लिक किया ओपन ओपन का डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल गया। इसमें आपको सिंपली उस पिक्चर, ऑब्जेक्ट, स्केच जिसे भी आप अपने पेंट एप्लीकेशन में लाना चाहते हैं तो उस पर सिंपली दो बार माउस का लेफ्ट की डबल प्रेस करें। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन सेव ऑप्शन का यूज करना सीखते हैं। सेव ऑप्शन का यूज हम बेसिकली अपने पेंट एप्लीकेशन में बनाए गए स्केच ड्राइंग को सेव करने के लिए कर रहे हैं। इसके लिए सिंपली हमें फाइल बटन पर क्लिक करना है और सेव बटन पर क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने ये फाइल पहले से चुकी सेव था इसलिए वो फिर से वहीं पे सेव हो गया और उसका नाम यहाँ पे शो कर रहा है शॉर्टकट की। तो हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन अब सेव एज पर सेव एज का यूज करना सीखते हैं। सेव एज का यूज कर सेव एज ऑप्शन का यूज बेसिकली हम तब करते हैं जब हमें इस पिक्चर को किसी अदर लोकेशन पर किसी अदर नेम से सेव करना रहता है। जैसे वो अभी ये पिक्चर डेस्कटॉप पर सेव है तो हम इसे पिक्चर को डेस्कटॉप पर ना करके और कहीं सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें डेस्कटॉप पे भी रहेगा वो पिक्चर और अगर हम उस पिक्चर को किसी अदर लोकेशन में सेव करना चाहते हैं फिर से दूसरे नेम से उसके लिए हमें सिंपली सेव एज पर क्लिक करना। सेव एज पर क्लिक करने के बाद
आपसे यहाँ पर पूछेगा कि आप उस पिक्चर को कहाँ पर सेव करना चाहते हैं, तो सिंपली हम यहाँ पर पिक्चर फोल्डर को चूज करते हैं। पिक्चर फोल्डर को चूज करने के बाद आपसे वो पूछेगा फाइल नेम, यहाँ पे आप फाइल नेम जो है वो भी रहने दे सकते हैं, या आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो उसको चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली आपको सेव पर क्लिक कर देना है। तो हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन प्रॉपर्टी के बारे में सीखते हैं। प्रॉपर्टी ऑप्शन का यूज बेसिकली आप अपने भी ड्राइंग करेगा या पिक्चर को इंसर्ट किया उस पिक्चर या ड्राइंग का हाइट वेट, अगर आपको उसके बारे में जानना है तो सिंपली आपको प्रॉपर्टी पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रॉपर्टी पर क्लिक करते हैं आपके सामने इमेज प्रॉपर्टी का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें आपको वो सारे हाइट सब कुछ शो करेगा जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये पिक्सल में शो करता है। अगर आप सेंटीमीटर में चाहते हैं, इंच में चाहते हैं, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप प्रॉपर्टी ऑप्शन का यूज करना सीखे। अब अपने नेक्स्ट ऑप्शन अबाउट पेंट के बारे में सीखते हैं। अबाउट पेंट यानी पेंट के बारे में, अगर आप इस पेंट एप्लीकेशन के बारे में जानना चाहते हैं कि ये पेंट एप्लीकेशन क्या है, तो उसके लिए सिंपली आपको फाइल बटन पर क्लिक करना है और अबाउट पेंट पर क्लिक करना है। और इस तरह से आप देख सकते हैं अबाउट पेंट का एक विंडो ओपन हो गया है जिसमें आपको दिखा रहा है ये एप्लीकेशन विंडो 8 में ओपन है, वर्जन 6.3 है। इस तरह से आप अपने किसी भी एप्लीकेशन के बारे में जान सकते हैं उस एप्लीकेशन के अबाउट में जाकर। और ये सिंपली एग्जिट, ये इस ऑप्शन बेसिकली यहाँ पर सबसे ऊपर राइट कॉर्नर पर ये रेड कलर का क्लोज बटन से भी एग्जिट हो सकते हैं, या अगर आप फाइल बटन के द्वारा एग्जिट होना चाहते हैं तो सिंपली आपको फाइल बटन पर क्लिक करना है और एग्जिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही एग्जिट पर क्लिक करते हैं आपके सामने वो एप्लीकेशन ऑफ हो जाता है। तो हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन यानी सबसे लास्ट क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में सीखते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार बेसिकली आप जिस भी ऑप्शन का यूज टैब में करते हैं, जैसे आप होम टैब, व्यू टैब और फाइल बटन में जाके करते हैं, अगर आप क्विकली करना चाहते हैं, क्विकली यानी जल्दी करना चाहते हैं, तो आप सिंपली यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार पर क्लिक करें और जिस ऑप्शन का यूज आप बार बार करते हैं, जैसे आप कोई भी डॉक्यूमेंट बार बार बना रहे हैं और बार बार उसे सेव कर रहे हैं, या दूसरा डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसे बार बार सेव कर रहे हैं, या नया पेज लेना है, या जो आप सेव किए उसे बार बार ओपन करना है, सिंपली आप यहाँ पर जिस ऑप्शन का यूज आपको बार बार करना है, क्विकली करना है, जल्दी जल्दी करना है, तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पर उस ऑप्शन के सामने आपको पर आपको चेक लगा देना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं वो सारे ऑप्शन आ गए हैं। इस तरह से आप क्विक एक्सेस टूल बार ऑप्शन का यूज करना सीखें। और सबसे लास्ट है हमारा पेंट बटन। पेंट बटन, आप पेंट ये जो एप्लीकेशन है, आपको इसमें किसी तरह का चेंजिंग, जैसे छोटा करना है इस एप्लीकेशन को तो रीइंस्टॉल कीजिएगा तो ये छोटा हो जाएगा, फिर से पेंट बटन पर क्लिक करें, और आप मूव करना चाहते हैं पेंट एप्लीकेशन को कहीं और लेके जाना चाहते हैं, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और इस तरह से आप मूव कर सकते हैं। फिर साइज है, साइज में आपको साइज ऑप्शन के यूज से आप सिंपली इस एप्लीकेशन को बड़ा कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा मिनिमाइज ऑप्शन का यूज हम बेसिकली अपने एप्लीकेशन को कुछ देर के लिए मिनिमाइज करने के लिए करते हैं। कुछ देरों के लिए अगर आपको उस एप्लीकेशन को यूज नहीं करना है और उसमें आपका जो वर्क किया हुआ है उसे डिलीट भी नहीं करना है, तो उसके लिए आपको सिंपली मिनिमाइज ऑप्शन का यूज करना रहता है। तो इसके लिए सिंपली आपको मिनिमाइज पर क्लिक करना है और जो भी आपने वर्क किया है वो वर्क वैसे ही रहेगा और आपके इस टास्क बार में वो एप्लीकेशन शो करेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा पेंट एप्लीकेशन शो कर रहा है। और अगर आप उस एप्लीकेशन में फिर से वर्क करना चाहते हैं तो सिंपली आपको इस मिनिमाइज इस टास्क बार में उस एप्लीकेशन पर क्लिक करना है और इस तरह से आप इस एप्लीकेशन को फिर से ओपन कर सकते हैं। और इसके बाद हमारा है मैक्सिमाइज। अगर आप इस एप्लीकेशन को मैक्सिमम जितना बड़ा हो सके आप उतने इसके साइज को वापस से लाना चाहते हैं, तो इसके लिए सिंपली आपको पेंट बटन पर क्लिक करना है और मैक्सिमाइज पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आप सीखते हैं एमएस पेंट कंप्लीट ट्यूटोरियल। और इसके पहले वीडियो में मैंने आपको होम टैब के सारे ऑप्शन एंड कमांड्स के बारे में आपको वीडियो में बता दिया है, आप उस वीडियो को देखें। इस तरह आप एमएस पेंट में व्यू टैब, फाइल बटन और पेंट बटन के सारे ऑप्शन एंड कमांड्स के बारे में आपने जाना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।